हेलो दोस्तों, कुक विद सेवी में आज बन रहा है मसालेदार पास्ता। मसालेदार पास्ता बनाने के लिए हम पानी को बॉईल करेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, फिर पास्ता डाल देंगे। 5-10 मिनट बाद पास्ता बॉईल हो जाएगा। पास्ते को पानी से धो लेंगे। देखिए हमारा पास्ता कैसे अलग हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें तेल डाला था। तेल डालने से पास्ता कभी चिपकता नहीं है। फ्राई बनाएंगे, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे। तेल गरम कर लेंगे, लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, प्याज को भूंज लेंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च को भी भूंज लेंगे। इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने पे एक चुटकी नमक डालें, जिससे टमाटर पक जाए। मैगी मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, एक गरम मसाला डाल देंगे, टमाटो सॉस डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डाल देंगे। अब मसाले को भूज लेंगे। देखिए मसाला हमारा भूज गया है, इसके ऊपर तेल आ चुका है। पास्ता डाल देंगे। अब इसको ऐसे चला लेंगे। पास्ता एकदम अलग अलग बना है, चुपका भी नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप पूरी वीडियो देख कर जाएँ। चीज़ डाल देंगे, चीज़ डाल के फिर धनिया डाल देंगे। देखिए पास्ता कितना टेस्टी बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।